तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डायनेमिक चार्ट। जी हाँ, डायनेमिक चार्ट आज का हमारा टॉपिक। डायनेमिक चार्ट में हम बात करेंगे फंक्शन। चार्ट के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उसको एक बार हम बात करेंगे। आपको मैंने जब पिक्चर लुकअप की क्लास बताई थी उसमें मैंने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्सेल के डेटा से कनेक्टेड है वो किसी न किसी फंक्शन से ही कनेक्टेड होता है। ये चीज़ हमने आपके साथ बात की थी। तो सेम चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे बताते हैं कि ये जो चार्ट है, ये चार्ट के किसी भी सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये रहा सीरीज का फॉर्मूला। तो चार्ट जो कनेक्टेड होता है वो सीरीज के फॉर्मूले से होता है। अब कैसा फॉर्मूला होता है सीरीज का, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो ये आपका C1 दिख रहा है, दिस इज द योर, ये जो आपका ये जैन और फैब दिख रहा है ना, ये होता है आपका C1। ये फरवरी ले लिया ना, फरवरी आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जनवरी है तो B1 आ गया जैन। ये जो दोनों जैन फैब होता है। हालांकि अगर आपके पास सिंगल रो है तो सेम टाइटल भी हो जाता है, तो टाइटल वो टाइटल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिखाएं नीचे, और यहाँ मैंने इंसर्ट सॉरी चार्ट पे क्लिक किया, तो अब सीरीज में देखिए जो जैन है ना, इट इज़ अ टाइटल, और टाइटल जो आपका है ये आपका क्या आ गया, ये रहा सीरीज 24, जैन 24। तो अगर मैं मान लीजिए कल के डेट पे बनाता हूँ कि यहाँ पे एक वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में सेल्स एंड परसेंट, हमने जैन फिर एन परसेंट स्पेस डैश 2022। अब मैं चाहता हूँ ए कनेक्टेड हो इससे, तो हम जस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो 24 है इस 24 को डिलीट करके हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना ए जैन 22। ये देखिए सेल्स जैन 22 आ गया, इस टाइटल पे वर्क करता है। तो इसमें हमने बताया कि ये आपका लेजेंड होता है जो कि यहाँ नीचे दिखता है वो होता है, अगर सिंगल है तो ये आपका टाइटल भी होता है। उसके बाद यहाँ आता है C1। C1 में आप देख रहे हैं A2 से A11, ये क्या हुआ, ये आपका एक्सिस हो गया, जो पूजा मोहन कविता जो ये आपका एक्सिस हो गया। दूसरा जो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए जो दिख पा रहा है B2 से B11, ये आपके क्या हो गया, डेटा सीरीज डेटा पॉइंट कर लीजिए, लेजेंड कर लीजिए, जिसकी वजह से अब एक सीरीज आपका बन रहा है। फिर यहाँ पे मैनुअली 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले पोजीशंस पे है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फरवरी है, मैं चाहता हूँ फरवरी पहले आए देन जैन आए, तो लास्ट में जो 2 दिख रहा है सिक्वेंस पोजीशंस को कहा जाता है, उस पर मैं 1 लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए पूरा का पूरा फरवरी स्वैप हो गया किसमें, पहले पोजीशंस। तो ये आपका टाइटल हो गया, ये आपका डेटा पॉइंट हो गया, ये श्री क्या बोलते हैं उसको एक्सिस पॉइंट हो गया, ये आपका डेटा पॉइंट हो गया, और ये आपकी पोजीशंस हो गई। समझ में आया आप लोगों को सर? इसमें सर टाइटल कहाँ तो टाइटल मैंने क्या बोला आपको, आप इसे समझ नहीं आया, हमने बोला कि है, एक और टाइटल समझ तब में लिंक आया होता है जब नीचे सिंगल होता है। ठीक है सर, टाइटल यहाँ पे तो इसको अगर हमें ऊपर वाले में इनकॉर्पोरेट करना है तो इस नहीं, फॉर्मूले में टाइटल लिंक कैसे नहीं, इसमें डालेंगे? फॉर्मूला फिर नहीं लगे, फॉर्मूला लिंक नहीं होगा, ये मैनुअली करना पड़ेगा सर आप। ओके ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने अब दूसरे चार्ट पे हम यहाँ पे बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं, इसको किसके अंदर क्या छेड़छाड़ या कुछ ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे एक डेटा बनानी है, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्वार्टर्स लिख दिया और यहाँ पे हमने सेल्स लिख दिए और यहाँ पे क्वार्टर, तो यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 का हमारा मान लीजिए सेल है और यहाँ पे सेल्स दिया होगा।
अब क्वेश्चन है कि मुझे इस चार्ट को पीपीटी पे दिखाना होता है, तो पीपीटी पे जब ले जाते हैं तो मुझे पिक्चर में रखना पड़ता है, या फिर एक्सेल के साथ अगर हम लिंक करते हैं तो दिक्कत क्या होता है? कौन से पेंसिल पकड़ रहे हो तुम? तो हम लोग क्या किया, इसको सेलेक्ट करके मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया, चार्ट आपका बन गया। बट मैं चाहता हूँ कि इसका डेटा जो है ना इसी के अंदर रहे, हम किसी सेल पे डेटा नहीं रखना चाहते ताकि किसी एक्सेल शीट से कनेक्टेड ना हो। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये आप आपका आपका आता है चार्ट टू B1 जो कि सेल्स है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इन्वर्टेड कॉमा में अपना लिख देता हूँ कि Q सेल्स 2021, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। देखिए हेडिंग हो गया, और यहाँ हमने इसके ऊपर हमारा क्या है, एक क्वार्टर वन क्वार्टर टू है, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूँ क्वार्टर वन कॉमा, इन्वर्टर कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा क्वार्टर टू इन्वर्टर कॉमा क्वार्टर थ्री इन्वर्टर कॉमा क्वार्टर फोर, और इसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका ये देखिए, अब इससे यहाँ लिंक हट गया। अब यहाँ पे सेल्स है, तो सेल्स को भी मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट में 85 कॉमा 36 कॉमा 95 कॉमा 78 कर देता हूँ। अब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए हट गया, हट गया सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैंने पहले चार्ट बनाया फिर इसको लगाया, तो हर बार मुझे पहले डेटा रख के चार्ट बनाना पड़ेगा फिर अलग अलग करना पड़ेगा? जी नहीं, आप डायरेक्ट इंसर्ट में जाएं, और इंसर्ट में जाने के बाद आप एक चार्ट जो इंसर्ट करना चाहते हो चार्ट को इंसर्ट करें, एक ब्लैंक डेटा पे, एक ब्लैंक चार्ट इस तरह से आपका इंसर्ट होके आ गया। अरे मैं इसी के नीचे रखता हूँ, राइट क्लिक ब्लैंक चार्ट के ऊपर सेलेक्ट डेटा, और यहाँ पे ऐड पे जाइए, और यहाँ आपका दिख रहा है सेल सीरीज, यहाँ दे दीजिए, यहाँ पे इन्वर्टर देने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैनुअली जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हैं क्यू डेटा सेल्स, इसी को ऊपर भी दे दीजिए, सॉरी ये ऊपर ही देना पड़ेगा हमें, इसको बता दीजिए ऊपर ही देना पड़ेगा। अच्छा नेम पे बाद में आते हैं, ऐड डेटा, और इसमें इसके अंदर देते हैं हम अपना डेटा 85 कॉमा 36 कॉमा 95 कॉमा 78, उसको क्लोज कर दीजिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिए क्यू से आ गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब ये 1 2 3 जो दिख रहा है ये है, इसके जगह पे क्वार्टर 1 कॉमा क्वार्टर 2 कॉमा क्वार्टर 3 कॉमा क्वार्टर 4, देन ओके देन। अब ये चार्ट किसी भी डेटा से लिंक नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हैं, समझ गए? अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या हम चार्ट को चार्ट के फॉर्मूले या बाहर किसी फॉर्मूले से लिंक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पे कुछ नेम, यहाँ पे नेम का डेटा बनाते हैं, नेम, और यहाँ पे हम कुछ नेम देते हैं। मुझे इस पे कंडीशनल चार्ट लगाना है, क्या लगाना है? कंडीशनल चार्ट। अब कंडीशनल चार्ट क्या है, तो चलिए इसको एक बार हम आपको समझाते हैं कि कंडीशनल चार्ट होता क्या है।
तो ये आपके सामने डेटा है, मुझे इस डेटा को यहाँ पिवट टेबल पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सबसे हाईएस्ट सेल इंदु का है और देव का है, तो मैं चाहता हूँ इसको कलर जो है वो कलर हमारा ग्रीन हो, इसका भी कलर ग्रीन हो जो 80 से ऊपर गया हुआ है, और जो 20 से नीचा है उसका कलर रेड हो। ये तो मैन्युअली कलर आप कर लिए, लेकिन कल के डेट में ये जो आपका 20 से नीचा है, मतलब कि ये आपका 19 है, एक कल के डेट पर 91 हो गया, तो कलर तो चेंज नहीं ना होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास स्लैब है, स्लैब के हिसाब से अलग अलग कलर होना चाहिए, और जैसे कलर डेटा चेंज हो, स्लैब चेंज हो डेटा का, वैसे ही इसका कलर भी चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम बाहर एक्सेल, क्योंकि आप इसके अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, चार्ट के अंदर कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो 0 to 40, 41 to 80 और 81 to 100, हमने तीन स्लैब दे लिया। अब इसमें इफ का फॉर्मूला कि इफ वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो यहाँ पे नंबर को शो कर दो, अदरवाइज ब्लैंक कर दो। तो क्या होगा, ब्लैंक नंबर्स आएंगे, अदरवाइज ब्लैंक हो जाएंगे। देन इफ, अब यहाँ पे एंड, क्योंकि बिटवीन है तो एंड लगेगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और हमने यहाँ पे बोला कि ये लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए, अदर तो इट वैल्यू शो होनी चाहिए, नहीं तो ब्लैंक। और इसको भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देते, जो फॉर्मूला यहाँ लगा है सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ भी लगेगा, बट इसके अंदर कंडीशंस 40 के जगह पे 80 हो जाएगा और 80 के जगह पे 100 हो जाएगा, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। अब इंसर्ट में आते हैं और हम एक कोई चार्ट ले लेते हैं ब्लैंक, हम क्या लेंगे याद रखिएगा, ब्लैंक चार्ट। हम क्योंकि तो हमें इसको सेलेक्ट करके चार्ट लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, हम यहाँ पे ब्लैंक चार्ट लेते हैं। ब्लैंक चार्ट, ब्लैंक चार्ट लेने के बाद हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, सेलेक्ट डेटा पे जाते हैं और हो गया, और यहाँ ऐड करते हैं। ऐड में सबसे पहले हेडिंग होगा 0 to 40, और इसके ऊपर हम सेलेक्ट करके 0 to 40 का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अगेन ऐड, और यहाँ पे सीरीज नेम 81 to 40, और इसकी इसको सीरीज सेलेक्ट कर देते हैं। फिर अगेन हम करते हैं यहाँ पे ऐड, एड में मैं यहाँ पे 81 to 100, और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेते हैं 100 to 40, बस सिंपल। और फिर एडिट पे जाके इस पे हम अपना नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके। सो सेलेक्ट करें और इसकी गैप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, गैप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको इसे बढ़ाना हो, घटा रहे बढ़ाने से थोड़ा चौड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अलग अलग कलर, जैसे कि एक कलर है हमारा 40, ये रहा हमारा 40 to 80 वाला, इसको मैं कर देता हूँ कलर रेड, और इसको कर देता हूँ अपना ठीक।